हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल इन स्टडी फंडा। गाइस, फाइनली वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वापस से। आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमारी फ्री मैपिंग कोर्स की सीरीज को, जिसकी वजह से हमने ये डिसाइड किया कि हम कंप्लीट सीरीज को जो है इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो वर्ल्ड मैपिंग आज से हम स्टार्ट करें गाइज। ये है लेक्चर वन, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड मैपिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो हम इस सीरीज को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ एक सब्सक्राइब का बटन आपका दबाना है आपको बस। उसके बाद सभी चीज़ें आपके लिए बेस्ट क्वालिटी कंटेंट जो आपको होता है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका कंप्लीट वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दो रीज़न से। पहला रीज़न है कि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या कोई भी एग्ज़ाम आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरा, एक जनरल नॉलेज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, एक एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन में यही फ़र्क होता है। एजुकेटेड पर्सन को काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज होता है और ओवरऑल लाइफ के डेवलपमेंट में जो है काफ़ी आगे निकल जाता है एक एजुकेटेड पर्सन। ठीक है, तो ये पूरा वर्ल्ड है हमारा, कौन कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या आपके लैंड फॉर्म्स हैं, कौन कौन सी कंट्री में क्या क्या चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी, कौन सा समुंदर, नदी, नाले, पहाड़, डेजर्ट, वेजर्ट, वोल्केनो, सब हम कवर इसमें करेंगे। बस आपसे अगेन एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले टाइम पर जो वीडियोज़ आएँ वो आपको टाइम पर मिल सके। ठीक है, तो ये हमारा वर्ल्ड है, अलग अलग कंट्रीज है, आपको पता है इंडिया भी हमारी एक इसमें से कंट्री है। उसके बाद माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे इंडिया का जो है कंप्लीट मैप यहाँ पे नहीं दिखाया गया, बट मुझे इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल था वो मैंने इसमें डाला है। ठीक है, बट पूरा हिस्सा है हमारा जो भी चाइना के पास है और जो पाकिस्तान के पास है वो भी जल्दी ही जो है इंडिया के पास होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। अब देखिए इस वर्ल्ड मैप के रिगार्डिंग जो है काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिगार्डिंग भी, जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी बोल देते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू हम जो है ऑलमोस्ट 15 से 20 वीडियोज़ के अंदर जो है कंप्लीट करेंगे आपके वर्ल्ड मैपिंग को। ठीक है, ये है आपका सुंदर सा वर्ल्ड जिसमें बहुत सारे आप जैसे लोग रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए वर्ल्ड मैपिंग कंप्लीट करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले और ख़त्म करने से पहले कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के बारे में जो है आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस हिसाब से मैंने इन चीज़ों का डाला है और उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक चीज़ एटलीस्ट आपको पता होंगी। अगर नहीं पता है तो इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके जो है आप अच्छे से वर्ल्ड मैपिंग को या इंडियन ज्योग्राफी जो हमने मैपिंग करी है उनको समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जितने भी आपके जो अर्थ है वो बेसिकली डिवाइडेड है टू हेमिस्फेयर के अंदर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, उसके बाद एक और अगर इसका मैं फर्दर डिवीजन करूँ तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आपने इक्वेटर सुना होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सुना होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सुना होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती है। अगर आपको बेसिक चीज़ों का धीरे धीरे पता चलेगा तो आगे काफ़ी सारी हेल्प जो है आपको इन पर्टिकुलर लेक्चर्स के अंदर तो मिलेगी मिलेगी और एग्जाम में भी जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। रीजन बिंग, अब जैसे आपको पता होगा कि जो टॉरिड रीजन है आपका, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा वार्म है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बारिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इफ़ यू कंपेयर विद द हायर लैटिट्यूड्स, राइट। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो इस अभी जो है इस स्लाइड के अंदर हमें पता होना चाहिए इक्वेटर के बारे में। ठीक है, इक्वेटर जो है किस किस कंट्री के थ्रू पास करती है वो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, ये है आपका दो मेन चीज़, ये है आपकी लैटिट्यूड की लाइनें, ये है आपकी लॉन्गिट्यूड की लाइनें। ठीक है, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है आपको उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। देन आपका इसमें 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया हुआ है, ये यहाँ पे आपका पोल होता है, ऊपर नॉर्थ पोल हो जाएगा, नीचे साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बीच में इससे थोड़ा सा फर्दर अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे दो लाइनें आप अगर लगा लेंगे इसमें, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, नीचे को कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, ये ऑल्दो हम इंडियन ज्योग्राफी वाली वीडियोज में कवर कर चुके हैं। ये आपकी 0 डिग्री लाइन है, पास करती है इंग्लैंड के थ्रू। ठीक है, इससे इधर अगर हम ईस्ट की तरफ रोटेट करके जाएंगे 180 डिग्री तक तो आपका 180 डिग्री यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा आपका ईस्टर्न वाली साइड और इधर हो जाएगी आपकी वेस्टर्न वाली साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये है आपकी मेन लाइंस, मेन जोन्स, लाइंस जो भी आप बोलना चाहो यहाँ पे। तो अर्थ बेसिकली जो है 4 रीजन्स के अंदर जो है डिवाइड है। ऊपर से शुरू करते हैं, आपको पता है ऊपर जो है आपका 90 डिग्री है, आर्कटिक सर्कल आपका है, तो ये बहुत ठंडा सा रीजन है। ठीक है, बीच वाले की अगर बात करूँ तो ये इक्वेटर है, यहाँ पे डायरेक्टली सन की रेज आती हैं बहुत बार, तो ये वाला जो रीजन है जो बहुत गर्म रीजन है। ठीक है, उसके बारे में आगे और हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच के रीजन को हम टॉरिड जोन बोलते हैं। ठीक है,
ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं, टॉरिड जोन भी बोलते हैं, ठीक है। देन आपका ऊपर आ जाता है टेम्परेट जोन, आपने पढ़ा होगा ना टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है या कुछ अलग इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो यही हैं, ठीक है। फिर नीचे आ जाता है फ्रिजिड जोन, यहाँ पे जो है बर्फ़ जमी रहती है। अभी आता है इक्वेटर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगेन इक्वेटर 0 डिग्री है आपकी, इस साइड आपका ईस्टर्न हिस्सा है, इस साइड वेस्टर्न आपका है, उसके बाद ये आपकी प्राइम मेरिडियन, इधर 10, 20, 30 डिग्री ईस्ट में जाएंगे, इधर वेस्ट में जाएंगे, ठीक है। लैटिट्यूड हो गए आपके, लॉन्गिट्यूड हो गए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गई, प्राइम मेरिडियन आ गई आपकी, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल आपका आ गया, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये आ गया आपका आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन लाइंस के बारे में ये डायग्राम आपको मन में बैठा लेना है। देखिए इसमें समझाने को तो ऑलमोस्ट मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर कर सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि इस पर्टिकुलर वीडियो में वो कवर करना ठीक रहेगा। जैसे इसमें सेल्स वगैरह गाइज होते हैं, हेडले सेल है आपका, फेरल सेल है, पोलर सेल है, तो ये काफ़ी बिल्कुल ज़्यादा मतलब ज्योग्राफी ऑप्शन वाला काम हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपली देखते हैं यहाँ पे कि आप सिंपली लाइंस को जो मैं आपको जितना मैं आपको बताऊं उतना कर लीजिए, आपका क्वेश्चन गारंटी से सोल्व हो जाएगा, और इसी के ऊपर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आए सिर्फ इसी डायग्राम के ऊपर, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, एक गोला मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ, यहाँ पे ये हमारी अर्थ होगी है, ठीक है। उसके बीच में एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिसको हम इक्वेटर मानेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं गाइस। 0 डिग्री को हम जो है इक्वेटर बोलते हैं, ये आपकी होगी 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। अब इस 0 डिग्री लैटिट्यूड के गाइस 5 डिग्री ऊपर एक लाइन इमेजिनरी लाइन है, ऑल्दो ये सभी इमेजिनरी लाइन ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इधर, तो ये हो गया 5 डिग्री साउथ, 5 डिग्री नॉर्थ। ये वाला जो आपका रीजन है पूरा ये वाला गाइस, इसको हम बोलते हैं डोल्ड्रम रीजन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डोल्ड्रम रीजन कौन सा होता है? डोल्ड्रम रीजन आपका वो होता है जो कि 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक का होता है, इक्वेटर के जस्ट 5 डिग्री ऊपर और जस्ट 5 डिग्री नीचे। इसको हम ITCZ जोन भी बोलते हैं, ठीक है। ITCZ इसका नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डोल्ड्रम के ऊपर तो बहुत बार आया होगा, हुआ है आपका CDS, CAPF, ND वगैरह में सब में, तो इतना उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अब 5 डिग्री तक हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो है आपका आता है, आपकी लाइन ड्रो में यहाँ पे कर लेता हूँ, ये है आपकी 23 डिग्री नॉर्थ, नीचे वाली होगी आपकी 23 डिग्री साउथ, ठीक है। इसके बाद फिर ना एक आपका रीजन जो आता है इसके जस्ट साथ में ही आता है, ये वाला जो रीजन आपका है इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई, इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोला जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। 30 से लेके 40 डिग्री तक के एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आएंगे आपका ऊपर, हम कर लेते हैं पोलर वाला रीजन जो हो गया आपका यहाँ पे, ये आपका हो गया पोलर रीजन, ये भी आपका इधर हो गया पोलर रीजन, ठीक है। और बीच में आपका आ जाएगा सब पोलर लो, ठीक है। और ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पे एक ही साइड का भी कर लोगे, ऊपर का भी कर लोगे, चीज दोनों में सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें मेन जो लाइनें है ना, जो 4 आपको जो याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखनी ईस्टर्ली, दूसरा आपको याद रखनी है वेस्टर्ली, तीसरा आपको याद रखनी है ट्रेडविंड, चौथा आपको याद रखना है डोल्ड्रम। बस ये 4 लाइनें आप याद रख लो कि इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जा रहे हैं तो पहले नंबर पे कौन सी आएगी, दूसरे पे कौन सी आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी आपकी डोल्ड्रम है, डोल्ड्रम के बाद आपकी आएगी कौन सी वाली ट्रेडविंड, यहाँ पे जो आपकी वो होती है ट्रेडविंड, उसके बाद जो है वेस्टर्ली और आपकी आएगी ईस्टर्ली, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बस इसी डायग्राम से आप अगर याद रख लोगे तो आपके कम से कम 6-7 क्वेश्चन में अभी सोल्व करा के आपको दिखाऊंगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा वर्ल्ड का कॉन्टिनेंट मैप, पूरे वर्ल्ड में जो है 7 कॉन्टिनेंट हैं आपके। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है आपका एशिया, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। दूसरा कॉन्टिनेंट इसके साथ में ही लगता है यूरोप। तीसरा कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, ऑल्दो काफ़ी सारे लोगों को स्टूपिडिटी लग रही होगी बट स्टिल काफ़ी लोगों को मे भी हो सकता है नहीं पता है, तो उनके लिए मैं ये चीज़ करा रहा हूँ। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, देन आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना यहाँ पे है आपका, देन आपका फाइनली अंटार्कटिका। तो ये 7th आपका
हो गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? एशिया है, याद रखना है आपको। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट है आपका ओशियंस। वर्ल्ड में जो है इंपॉर्टेंट ओशियंस के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा जो ओशियन है वो है आपका पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये वाला जो रीजन है आपका इधर से लेके ये इधर, ये पूरी एक्चुअली अर्थ गोल है, तो हम इसको डिस्क्राइब यहाँ पे डायग्राम में फ्लैटेंड है तो इस हिसाब से ही कर पाएंगे। जितना मैंने रीजन मार्क किया है आपका पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। उसके बाद हम इंडिया के यहाँ पे रहता है तो ये है आपका इंडियन ओशियन, एंड दिस इज द ओनली ओशियन विच इज नेम्ड ऑन अ कंट्री, राइट। देन है आपका अटलांटिक ओशियन, ये जो ओशियन है आपकी इसकी एस शेप है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आया है कि एस शेप से रिजेंबल करता हुआ कौन सा ओशियन है, तो वो है आपका अटलांटिक ओशियन। इसको हम नॉर्थ अटलांटिक बोल देते हैं, इसको हम साउथ अटलांटिक बोल देते हैं, ठीक है। ऊपर है आपका अर्कटिक ओशियन, जो रशिया के ऊपर जो रीजन पड़ता है ये वाला पूरा का पूरा जो है आपका अर्कटिक ओशियन आता है। नीचे फाइनली आपका जो आता है सदर्न ओशियन, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब प्रीवियस क्वेश्चन थोड़े से देख लेते हैं इसके ऊपर जो आए हुए हैं आपके, मेनली ट्रेड विंड्स के ऊपर ही क्वेश्चन जो है आए हैं यहाँ पे। सबसे पहला है क्वेश्चन डोल्ड्रम, ठीक है। हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे बतानी भूल गया, वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे सन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये आपका सन की जो है आपको पता है रेज यहाँ निकल रही हैं, बहुत गर्मी प्रोड्यूस होती है सन की रेज से। अब यहाँ पे डायरेक्ट जो है आपकी सन की रेज आएंगी, तो आप देख सकते हो। एक चीज़ मैं आपसे जस्ट एज्यूम करने के लिए कह रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ऑल दो ये टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे, बट हम अभी इसको सिंपल मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये ऑल दो टिल्टेड है, ये एक्सिस प्रॉपर ऐसे नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट है 23.5 डिग्री पे, बट उसको अभी छोड़ दीजिए आप, ठीक है। जस्ट ये देखिए कि सबसे ज़्यादा रेज जो है वो कौन से रीजन पे जा रही है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा रेज जो है आपकी जाएंगी इस वाले रीजन में, जिसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री इक्वेटर जो है आपका ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे हीट का जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा होगा। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए, आप कभी भी जब भी हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी जो है आग लगा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है प्रेशर घट जाता है, लो प्रेशर रीजन जो है वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और दूसरा एक रीजन वहाँ पे होता है, जो ठंडी जगह होती है वहाँ पे जो है हाई प्रेशर होता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है आपको, कभी भी जब हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बस इतना सा आपको याद रखना है। हीट जो है हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर की तरफ भागती है, ठीक है। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है सब ट्रॉपिकल हाई हॉर्स लेटीट्यूड, यहाँ की जो एयर है वो ठंडी है, वो कंसेप्ट अलग है, वो समझाना पड़ेगा हेडले सेल वगैरह, बट उसका इतना टाइम नहीं है हमारे पास, और लेक्चर भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो यहाँ पे ये लगाइए कि यहाँ पे जो टेम्परेचर वो हाई है और यहाँ पे जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। तो मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर हाई से लो की तरफ एयर जो है मूव करती है, तो यहाँ से जो है बेसिकली इंटीरियर की तरफ भागेगी इस तरफ, ठीक है। ये देखिए आप इस तरीके से भागेगी रेज, सॉरी एयर, तो जो है आपकी डोल्ड्रम वाले रीजन की तरफ जो है आपकी जाएगी एयर। तो एक फैक्ट तो ये है डोल्ड्रम का कि ये जो होता है लो प्रेशर रीजन होता है, ठीक है, याद रखना है आपको, लो प्रेशर रीजन है। दूसरा 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक का है, दो चीज़ें, और यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डोल्ड्रम इज़ अ लो प्रेशर एरिया अराउंड द इक्वेटर वेयर द प्रिवेलिंग विंड्स आर काम। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लो प्रेशर जो एरिया आपका है इक्वेटर के जो आसपास का है, वहाँ पे जो है विंड्स जो होती है ना बहुत काम होती है, ठीक, काम मतलब इन द सेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती विंड्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद अपने, हाँ एक चीज़ ये प्रैक्टिकल भी देखा होगा, जब भी हमारे प्लेन वगैरह मूव करते हैं, एरोप्लेन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो जब भी इक्वेटर के आसपास का जो रीजन होता है, जब वहाँ से फ्लाई हम करते हैं तो टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा महसूस हमें होता है, बट जब इक्वेटर के पास से जो प्लेन्स वगैरह मूव करते हैं तो वहाँ पे टर्बुलेंस बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। तो उसका यही रीज़न है कि वहाँ पे जो विंड्स होती है वो काम होती है। सेकंड स्टेटमेंट है, लो प्रेशर इज कॉज बाय द हीट एट द इक्वेटर विच मेक द एयर राइज एंड ट्रेवल बोथ नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। ये भी बिल्कुल सही है, डोल्ड्रम जो है लो प्रेशर एरिया है, हीट की वजह से जो है एयर गर्म हो जाती है, उठती है वहाँ से और दोनों तरफ जो है जाती है, नॉर्थ वाली साइड भी और साउथ वाली साइड भी। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। अगला है क्वेश्चन, एनडीए 2006 का है ये, डोल्ड्रम कंप्राइज द इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ लो एटमोस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, यानी पहली स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट, द ट्रेड विंड कन्वर्ज एट डोल्ड्रम, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ट्रेड विंड जो है वो कन्वर्ज हो जाती हैं आपके आके, ये होते हैं ट्रेड विंड, आपको पता होगा। जस्ट अ सेकेंड, मैंने आपको बताया था कि आपको चार ही लाइनें याद रखनी है, ट्रेड विंड, डोल्ड्रम, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली। तो ट्रेड विंड आके जो है कन्वर्ज होती है, कन्वर्ज मतलब नीचे से भी आएंगे और ऊपर भी आएंगे और इसमें मिल जाएंगे आके डोल्ड्रम में, ठीक है, डोल्ड्रम रीजन में।
तो दूसरी स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है, पहले ठीक है, दूसरी भी सही है, ठीक है। तो आंसर या तो आपका डी होगा या सी होगा या ए होगा। तीसरी स्टेटमेंट, देर इज अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर इन डोल्ड्रम। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर लो होगा और एयर जो है बहुत ज़्यादा ऊपर तक जो है राइज करेगी, ठीक है। उसके बाद चौथा है, डोल्ड्रम्स आर करेक्टराइज बाय द टर्बुलेंट वेदर। ये मैंने आपको अभी समझाया है कि वहाँ पर कोई भी टर्बुलेंस जो है बहुत रेयर होती है, ठीक है, तो इसमें आपको उसकी कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम्स, CDS 2012 का है। अब इसमें डायग्राम में अलग अलग चीज़ें दी हुई है, नॉर्थ पोल, हॉर्स लेटीट्यूड, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट और साउथ पोल, ठीक है। साउथ पोल आपका ये वाला रीजन है, नॉर्थ पोल आपका ये है, ठीक है। तो इसमें पूछा कि ए जो है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, ठीक है। डोल्ड्रम, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली, तो ये डिनोट करता है डोल्ड्रम्स को। अगेन इट्स अ लो प्रेशर बेल्ट, ए हो गया आपका डोल्ड्रम, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट है आपका, द प्लेनेटरी विंड दैट ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द इक्वेटर आर नोन एज, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई मैंने आपको बताया था, यहाँ पे है आपका, यहाँ से जो इक्वेटर की तरफ जो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड्स। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये डायग्राम जस्ट आपको माइंड में बिठाना है, बस किसी भी तरीके से आप याद कर लो, जैसे भी आपका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच रीजन ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड डोल्ड्रम्स, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब इसको एलिमिनेट अगर आप करोगे तो बिटवीन 10 to 23 degree नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड, ये तो ऑटोमेटिकली गलती हो जाएगा। मैंने आपको बताया था 5 degree नॉर्थ से 5 degree साउथ होता है, ठीक है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये भी गलत है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये भी गलत है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर के पास की जो है लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कंसिडर द फ्लोइंग सर्फेस विंड्स। ये 2014 NDA का क्वेश्चन है गाइस, NDA 1 2014 का। डोल्ड्रम, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स। इन्होंने कहा है कि इक्वेटर से पोल की तरफ आप जब जाएंगे, ये इक्वेटर है आपकी, ये आपका पोल है, यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो कौन कौन सी हमें विंड्स देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले कौन सी मिलेगी यहाँ पे, डोल्ड्रम मिलेगी, ठीक है। तो देखो डोल्ड्रम इसमें कहाँ पे है, यानी पहले नंबर पे ही डोल्ड्रम दिया गया है। तो या तो आंसर इसका होगा 1 या होगा आपका बी, ठीक है। तो इन दोनों को आप काट सकते हो। दूसरे नंबर पर आप देखोगे तो ट्रेड विंड्स होती हैं, ठीक है, ट्रेड विंड्स आगे आपका, तो दूसरे नंबर पर दूसरा ऑप्शन हो गया, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। वैसे आगे देखोगे तो वेस्टर्लीज और फिर पोलर विंड, ठीक है। एटलीस्ट आप इतना तो याद इसको रख ही सकते हो कि नीचे आपका डोल्ड्रम होगा और सबसे ऊपर जो है आपका पोलर होगा, ठीक है। बचे बीच की दो, ठीक है, बीच में वेस्टर्ली और उसके बाद ट्रेड विंड्स, बात खत्म। इतना सा याद करना है आपको, ठीक है। साउथ वाले में वेस्टर्लीज हो जाएगा बस, ठीक है ना, यही आपको याद रखना है, वेस्टर्ली स्लैश में ईस्टर्ली, ठीक है। वो और तरीका इसमें बता देता हूँ याद करने का आपको, PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप सबने दिया होगा, ठीक है, इसको याद ही करा देता हूँ आपको, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिंदगी में कभी, ठीक है। ये आपका इक्वेटर है 0 degree, 0 degree, ये आपका है पोल, ठीक है, इसमें आपका है डोल्ड्रम, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। पी के बाद आएगा आपका ई, ई के बाद आपका आएगा टी, ठीक है। पोल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पोलर, ईस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, ठीक है ना, ट्रेड विंड्स। अब ईस्टर्ली कौन से उसमें होंगी, सदर्न हेमिस्फेयर में होंगी, नॉर्दर्न में कौन सी होगी, वेस्टर्ली होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना, बस इतना याद कर लो, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा इससे। अब देखते हैं इसके बारे में, दोबारा से देख लेते हैं। द परमानेंट विंड दैट ब्लोज फ्रॉम द हॉर्स लेटीट्यूड टू द इक्वेटोरियल रीजन एज नोन एज। हमें नहीं पता भाई कौन सा उसमें होता है, बट हमें ये पता है जो आपका डोल्ड्रम से ऊपर वाला जो रीजन होता है ना, उसको हम हॉर्स लेटीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अगेन हम दोबारा से वही मार्क करेंगे, 0 degree इक्वेटर है आपका, सबसे ऊपर आपका पोल है, फिर आपका ई आएगा, फिर टी आएगा, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ पे ईस्टर्ली आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका वेस्टर्ली हो जाएगा नॉर्थन हेमिस्फेयर में, ठीक है ना। अब हेमिस्फेयर का इतना ज़्यादा इसमें फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि दोनों में हॉर्स लेटीट्यूड सेम रहेगा। हमें यह पता है कि इससे ऊपर वाला जो रीजन है, नेक्स्ट जो लेयर आएगी वो हॉर्स लेटीट्यूड या फिर सब ट्रॉपिकल हाई वाली आएगी, तो उससे जो है अंदर की तरफ जो जाती है कौन सी आती है, टी, टी माने ट्रेड विंड, भी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज द आइडियलाइज्ड ग्रुप पैटर्न ऑफ सरफेस विंड फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, अगेन डोल्ड्रम, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी यही हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज अ लो प्रेशर बेल्ट विच फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट जोन ऑफ कॉन्टैक्ट ओवर नॉर्दर्न इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। ITCZ की जो जोन होती है वो आपकी
मूव करती रहती है, देखिए फिक्स नहीं है वो, ये चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया यहाँ पे। ITCZ की जो होती है वो सन की अपेरेंट मूवमेंट के हिसाब से मूव करती है आपकी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 0 डिग्री पे ही देखने को मिलेगी, वो ऊपर भी चली जाती है और नीचे भी चली जाती है, दोनों रीजन में ट्रैवल करती है सन की डायरेक्शन के हिसाब से। ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इन्वाइट इनफ्लो ऑफ विंड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, ये भी सही है, तो बहुत स्टेटमेंट जो इसमें करेक्ट हो जाएंगे। और सेलर्स जो है इनको डोल्ड्रम के नाम से भी जो है जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, डोल्ड्रम्स आर करेक्टराइज बाय, 2010 NDA का क्वेश्चन है ये, यूनिफॉर्म लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। देखिए डोल्ड्रम के ऊपर कितने क्वेश्चन आए हैं आपके। नेक्स्ट है आपका, डोल्ड्रम्स इज अ ट्रॉपिकल नो विंड बेल्ट, यहाँ पे कोई विंड नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द कॉन्टिनेंट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया इन द इक्वेटोरियल बेल्ट। अब ये बेल्ट मैं आपको बताना था, यहाँ पे एक बार डायग्राम को दिखा देता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए मैंने आपको समझाई थी ये चीज़, एक सेकेंड और हाँ, ये जो आपकी जो इक्वेटर है 0 डिग्री और ऊपर है आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। अब इन ये पूरा जो है आपका इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है, सॉरी इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन है ये, आपको याद रखना है। इक्वेटोरियल रीजन तो ये हो गया डोल्ड्रम वाला, ये ऊपर तक जो है आपका कंप्लीट टॉरिड जोन या फिर ट्रॉपिकल रीजन है। अब जो क्वेश्चन इसमें पूछा था उन्होंने, वो पूछा है आपका, जस्ट अ सेकेंड, द कॉन्टिनेंट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया इन द इक्वेटोरियल बेल्ट। अब इक्वेटोरियल बेल्ट का जो रीजन है वो देख लेते हैं एक बार। ये आपका पूरा वो है, ये इक्वेटर आ गया आपका, यहाँ से जो आप देखेंगे अगर इधर तक, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन से कॉन्टिनेंट का जो है इक्वेटोरियल रीजन के अंदर एरिया आता है, वो आता है आपका अफ्रीका का, ठीक है। ये इतना सारा एशिया का बहुत छोटा छोटा सा है, और साउथ अमेरिका भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये भी छोटा है। तो ये सबसे ज़्यादा एरिया जो है अफ्रीका का आपका आता है, तो इसका आंसर जो है आपका अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन दो बार आया आपका, सेम क्वेश्चन अफ्रीका आएगा इसमें। द थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट डू द इक्वेटर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू। तो अफ्रीका एकमात्र कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ से इक्वेटर भी पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है। नेक्स्ट आपका, नेम द कॉन्टिनेंट दैट इज फॉर्म अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका जो है बोथ मिरर इमेज फॉर्म करते हैं, आपको देखने से लगेगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी आपने पढ़ी होगी, अल्फर्ट वैगनर वाली, तो वो भी बोलते हैं कि आइडेंटिटिकल ही शेप थी, कि इन दोनों को जिग्सो फिट की तरह आप मैच करके देख सकते हो, तो दोनों जो है एक मिरर की शेप जो है फॉर्म करते हैं। तो इसका सी आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन कॉन्टिनेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ अर्थ लैंड। तो अगेन इसमें ये बताया कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट से लेके सबसे छोटे की तरफ हमको जाना है, ठीक है। सबसे बड़ा मैंने आपको बताया था एशिया है, सबसे छोटा आपको ऑस्ट्रेलिया बताया, लेकिन दोनों में कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा जब हम एशिया के बाद की बात करते हैं, तो देखने से ही पता चल रहा है आपका कि दूसरा जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका है वो है आपका अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के बाद आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद यूरोप। तो अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, ईदर ऑफ द टू बेल्ट्स ओवर द ओशियंस एट अबाउट 30 to 35 degrees नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड इज नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड आर लो प्रेशर बेल्ट, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली ठीक है। दूसरी क्यों गलत है, जो लो प्रेशर बेल्ट है वो तो डोल्ड्रम वाला रीजन मैंने आपको बताया था, हॉर्स वाला जो है सब ट्रॉपिकल हाई रीजन होता है। तो ओनली वन स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगी, सेकंड गलत है इसमें, ठीक है। तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, ये थे आपके MCQs, और उम्मीद करता हूँ इनिशियल जो है वीडियो थोड़ा सा एफर्ट इसमें लगा और थोड़ा सा समझने में भी आपको प्रॉब्लम आई हो, बट डायग्राम आप याद कर लोगे तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एशिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज़, कैपिटल वगैरह सब कुछ, ठीक है। थैंक यू सो मच, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगे वो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।